पहली बात, आज की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिएगा, बात किसी से भी करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, क्या आपको उसका वैल्यू सेट पता है? वैल्यू का मतलब मॉरल वैल्यूज नहीं होती दोस्तों। वैल्यूज का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान को, हम लोग कई बार कहते हैं कि अच्छा उसको कौन सी चीजें बुरी लगती है, कौन सी चीजें अच्छी लगती है। ये जो हमारा दिमाग है ये बिलीफ से चलता है। हाँ, हमारे थॉट्स होते हैं कुछ समय के साथ वो पैटर्न बन जाते हैं, पैटर्न्स बिलीव्स बन के हमारे दिमाग के अंदर चले जाते हैं। जो डीपर बिलीव्स होती है उनको वैल्यूज कहते हैं। आपको किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन वैल्यूज की बात करें कि जो टोनी रॉबिन्स हैं या फिर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर्स होते हैं, उन्होंने उस पर बहुत काम किया। NLP के अंदर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यूज पर बहुत बात की जाती है दोस्तों। और हम लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आपने किसी इंसान की वैल्यू पता लगा ली कि रियलिटी में वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देता है। जिंदगी में हर इंसान, आपको लगता होगा कि भैया आदि आज के टाइम पर तो सब पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमारा गलत फहमी है जो हम अपने दिमाग में चलाते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे आपने मैस्लो का पिरामिड भी पढ़ा होगा, कि कुछ लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान पे अटके रहते हैं, कुछ लोग हैं जो रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग उससे ऊपर उठते हैं और करियर को, डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनको जिंदगी को बियॉन्ड ही समझना होता है। तो समझने का प्रयास करिए, अपनी जिंदगी में इस बात को समझने का प्रयास करिए कि भाई आप किन चीजों को वैल्यू देते हैं। कोई इंसान यहाँ पे जो मुझे सुन रहा है, कोई इंसान अगर प्यार को बहुत वैल्यू देता है, उसके जो डिसीजन है उसमें प्यार दिखेगा दोस्त, उस डिसीजंस के अंदर प्यार दिखेगा। प्यार 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 के एवज में जो उससे प्यार से बात करेगा काम निकलवा लेगा, जो उससे प्यार से बात नहीं करेगा वो उससे नाराज हो जाएगा। हाँ, ये होता है दोस्तों, अगर आपका वैल्यू सेट जो है वो कनेक्शन और लव ज्यादा है तो आप देखिएगा कि आप प्यार के भूखे होंगे। कहीं ना कहीं प्यार से आपको मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, होता है, देखा गया है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, उनको जहां ग्रोथ दिखती है, जहां पे उनको लगता है कि कोई इंसान उनको ग्रोथ दे सकता है, कोई परिस्थिति उनको ग्रोथ दे सकती है, कोई चीज उनको ग्रोथ दे सकती है, वो उसके प्रति रुझान में आ जाते हैं। कन्विक्शंस जो होते हैं उनके दिमाग के, वो उस इंसान के प्रति बहुत ज्यादा डीपर हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पूछिए अपने आप से ईमानदारी से। कुछ लोग हैं जो अनसर्टेनिटी पे बड़ा चाव से देखते हैं अपनी जिंदगी को, अनसर्टेनिटी। क्या कभी भी कोई काम करते वक्त 2-3 महीने के बाद उस काम से बोरियत महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई कहीं कुछ नया करे और अंदर एक हुड़क मस्ती रहती है, कुछ नया करे दिमाग के अंदर ये नया करे, तो आपकी हो सकता है जो वैल्यू है, जो डोमिनेटिंग वैल्यू है आपके दिमाग की, वो अनसर्टेनिटी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सर्टेन होते हैं, जहां पे उनको सर्टेनिटी नहीं दिखती वो उसको गले नहीं लगाते, वो उससे दूर भागते हैं। जहां पे उनको सर्टेनिटी दिखती है वो उसको गले लगाते हैं दोस्तों। हाँ, वो उससे दूर नहीं भागते हैं, यानी अनसर्टेनिटी को गले नहीं लगाते हैं, अनसर्टेनिटी से दूर भागते हैं। सर्टेनिटी क्या है? कुछ लोग हैं जो बोलते हैं भैया महीने के बाद हमारे को तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, कोई भी काम करूं उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए, ऐसे थोड़े ना काम करूं और कोई रिटर्न ना मिले। अच्छा, मैं ये जो पड़ाव ले रहा हूं करियर के अंदर, इस पड़ाव में देखूं तो सही कि कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे लोग सर्टेनिटी को ज्यादा चाव में रखते हैं, अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बातों ही बातों में किसी की वैल्यूज पता लगा सकते हैं? हाँ, बातों ही बातों में, क्योंकि ये जो सेशन हम आपको ले रहे हैं इसमें हम यही बता रहे हैं आपको कि ऐसे टूल्स में आपको बताऊंगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और बातों ही बातों के अंदर आपको पता चल जाए कि भैया इस इंसान के दिमाग का बेंड है वो किस तरीके का है,